अल्लाह तआला वबरकातहू। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक जुनूबी हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ इदारा जामिया दारुल हुदा इस्लामिया का सैर कराने वाला है। तो उम्मीद है तमामी नाज़रीन हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारा साथ देंगे। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इतनी बड़ी एक इदारे के बारे में आप सभी को मालूम चले, पता चले। हम अभी गेट पर दारुल हुदा के गेट पर खड़े हैं। इंशाल्लाह हम इधर का जो सिक्योरिटी है उनसे बोल के अंदर जाएंगे। फिर अभी असर का टाइम है, हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी तमाम बिल्डिंग का सैर कराएंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम दारुल हुदा का अंदर आ गए हैं, गेट के अंदर आ गए हैं, देख सकते हैं सिक्योरिटी है। अब एक मस्जिद है, दारुल हुदा का मस्जिद है। यहाँ तकरीबन 3000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, सामने से तो छोटी लग रही है। यह है दारुल हुदा का मेन बिल्डिंग, जो पीजी बिल्डिंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों के लिए है। इधर डिपार्टमेंट के हिसाब से है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ। और यह है लाइब्रेरी, बापूटी हाजी के नाम से है लाइब्रेरी। दारुल हुदा का ऑफिस, मेन ऑफिस ये है। और ये सामने, यही मेन बिल्डिंग के सामने एकेडमिक ऑफिस भी है। तो अभी हम यहाँ का एक पढ़ने वाले बच्चे से, पीजी बच्चे से दारुल हुदा के बारे में जानेंगे कि ये कब शुरू हुआ। हम इसकी पीजी बिल्डिंग के सामने है, ये आपके सामने है मकसूद भाई हमारा, जो इधर में पीजी करने वाला है। डिपार्टमेंट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के डिपार्टमेंट में है। तो ये आप लोगों को बताएंगे दारुल हुदा के बारे में कुछ। हमारे फादर साहब ने बताया कि दारुल हुदा जो है एक बहुत मशहूर और मारूफ इदारा है। और दारुल हुदा जो है तारुफ मोहताज नहीं, सब लोग जानते हैं। दारुल हुदा के अंदर दीनी और मादी दोनों तालीम पढ़ाई जाती है। और दारुल हुदा एक ऐसा इदारा है जिसमें दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। और दारुल हुदा की बुनियाद जो है 1986 में इसकी बुनियाद डाली गई है, जिसमें बैरून हिंदुस्तान और दिगर रियासत से बच्चे आके पढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे हिंदू, जैसे क्या बोलते हैं, नेपाल, बिहार, बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र, बहुत मुख्तलिफ रियासत से यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। और दारुल हुदा में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या है, इसकी एक ख़ास, इसकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है दारुल हुदा की, वो है दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता किया जाता है, एक दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से, जैसे मैथ, साइंस, सोशल और जोग्राफिया ऐसे। और जिस तरह फ़िक्र, कुरान, हदीस, तफसीर, अकीदा, इस तरह मुख्तलिफ़ उलूम से बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें कंप्यूटर भी सिखाए जाते हैं। और बच्चों को दारुल हुदा के पीजी की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग में कम से कम इसमें 10 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें अकीदा, लोगा, ट्रांसलेशन। और पिछले साल 2-3 नए नए डिपार्टमेंट भी आए, 4 नए डिपार्टमेंट में। पहले सिर्फ 6 डिपार्टमेंट था पीजी के अंदर, लेकिन इस पिछले साल जो है 5 या 4 नए डिपार्टमेंट भी आए हैं, उसमें ट्रांसलेशन और सोशल डेवलपमेंट, इस तरह बहुत सारे डेवलपमेंट में बहुत सारे, मतलब दारुल हुदा के अंदर बहुत सारे इजादात नए नए आ रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं दारुल हुदा की, मतलब दिन ब दिन इसके नाम जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान में भी इसका नाम रोशन और चमकता हुआ नज़र आ रहा है। दारुल हुदा के मस्जिद के सामने आ गए हैं। अभी हम नमाज़ पढ़ के फिर बापूटी हाजी और ज़ैनुल उलमा का मकबरा है, उनको ज़ियारत करेंगे। फिर हम इसके बाद सीनियर सेकेंडरी और डिग्री और सेकेंडरी बिल्डिंग्स को दिखाएंगे। तो आइए।
फ्रेंड्स, अभी हम नमाज़ पढ़ लिए हैं इंशाल्लाह। अभी यहाँ का जो बानी है डॉक्टर यू बापूटी हाजी, उनका मकबरा ज़ियारत करेंगे। मस्जिद का सामने ही है। फ्रेंड्स, अब हम ज़ियारत कर लिए हैं, अब हम जाएंगे डिग्री बिल्डिंग देखने और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी बिल्डिंग इंशाल्लाह। हाँ, लॉकडाउन की वजह से यहाँ का पढ़ाई सब ऑनलाइन में होती है, इसीलिए सो यहाँ बच्चे लोग नहीं है, बस यहाँ इमाम लोग रहते हैं और दो चार बच्चे रहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं डिग्री बिल्डिंग की तरफ इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं दारुल हुदा का डिग्री का बिल्डिंग है। यहाँ सब डिग्री के बच्चे पढ़ते हैं, डिग्री में भी अभी डिपार्टमेंट आ गई है। ये देख सकते हैं फुल बिल्डिंग 3 माले का है। और ये बिल्डिंग जो सामने देख रहे हैं, ये है दारुल हिकमा। यह अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये अभी भी बन रही है, तकरीबन ये मुकम्मल होने वाला ही है। अभी देख सकते हैं, मतलब ये रीडिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल का बिल्डिंग होगा इंशाल्लाह। सर, अब हम रुख करेंगे दारुल हुदा का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बच्चों के बिल्डिंग की तरफ। अभी हम जा रहे हैं दारुल हुदा के सेकेंडरी बच्चों का बिल्डिंग की तरफ और सीनियर सेकेंडरी के। अभी यहाँ का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का जो बच्चा है अभी तो कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से ये बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लास फ्रेंड्स जारी है। है दारुल हुदा का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बिल्डिंग के सामने यहाँ बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग पढ़ते हैं सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में पाँच साल पढ़ने बाद फिर सीनियर सेकेंडरी में पढ़ते हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये है मलयाली बच्चे के लिए, यानी केरला के अंदर से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन लोगों के लिए बिल्डिंग, यानी मलयालम मीडियम में पढ़ाया जाता है। और जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उर्दू बच्चे के लिए, यानी बैरून केरला से जो आते हैं उन लोग ये बिल्डिंग में पढ़ते हैं, यानी उर्दू मीडियम में। दारुल हुदा का डाइनिंग हॉल ये जो देख रहे हैं, यहाँ पूरे बच्चे यानी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिग्री और पीजी के सभी बच्चे यहाँ आके खाते हैं। उस्ताद लोग भी यहाँ आके खाते हैं, टीचर्स लोग। दोस्तों, आप लोग अभी सारे बिल्डिंग देख लिए होंगे दारुल हुदा का, आप लोग ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। अभी तो कोरोना है, लॉकडाउन है, फिर भी आ सकते हैं। और यहाँ जब खुल जाता है, बच्चे रेगुलरली जब यहाँ पढ़ाई करेंगे तब भी देखने के लिए आ सकते हैं आप लोग। आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ का दरवाज़ा, यहाँ का गेट खुला हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो का अगर पसंद आए तो आप लोगों को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको नहीं मालूम है दारुल हुदा के बारे में, मशहूर मारूफ इदारे के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत फ्री में पढ़ाई होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स केरला के बाहर से भी लोग पढ़ने आ सकते हैं और केरला के अंदर से भी। सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं दारुल हुदा के बारे में, उन लोगों को पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, हम यही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।